स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन रीड इन द बुक एंड स्टार्ट डूइंग इट नाउ एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड सी बेटा लीव नाउ स्टॉप राइटिंग अ मैच बॉक्स मेजर दिस इनटू दिस इनटू दिस व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस क्या किया पहले उसके बाद एक व्हाई आर यू शाउटिंग अ मैच बॉक्स मेजर देखो डायमेंशंस देखनी है तीनों के डायमेंशन सेंटीमीटर में है अगर एक की भी जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट है अगर एक भी मीटर में गिवन होगा तो उसको सेंटीमीटर में मतलब तीनों की जो तीनों डायमेंशंस हैं उसके जो यूनिट्स हैं वो क्या होने चाहिए सेम ठीक है सेकंड क्वेश्चन A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. It means length is 6 meter, breadth is 5 meter, height is how many liters of water can it hold? आपको मैंने पहले भी बताया है, question को देख के आपको सोचना है that what is to be found? एरिया और वॉल्यूम ठीक है हाँ एक क्यूबॉइडल टैंक है उसमें कितने लीटर वाटर आ सकता है तो इसका मींस वॉल्यूम एलबीएच व्हाटएवर यू विल गेट इन मीटर क्यूब एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड इन लीटर्स तो आपको बेटा इसका रिलेशन याद रखना है 1 meter cube इज इक्वल टू 1000 liters So whatever answer you will get in meter cube, you will multiply it with 1000 and you will get the answer in liters. ठीक है? Next question number 3. A cuboidal vessel is length given है, breadth given है. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? Again, very easy question. L given है बेटे, B given है, height निकालनी है और साथ में आपको क्या given है? वॉल्यूम समझो ध्यान से जसकीरत क्या कर रहे हो कुछ नहीं करना छोड़ दो पेन नहीं करना ना घर पे करो बैठकर सॉल्यूशन में कैलकुलेशन अभी हम दोबारा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप एक बार समझ लो कि करना क्या है कैलकुलेशन तो यू कैन डू योरसेल्फ यू जस्ट लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस व्हाट इज टू बी डन इन व्हिच क्वेश्चन टाइम पास थोड़ी करना है कि चलो बेटा ये क्वेश्चन करो अपना टाइम पास थोड़ी करना है सेकंड चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं इसके बाद इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं सो हाउ हाई मस्ट एक जो वेसल है उसकी हाइट निकालनी है और गिवन है कि उसमें कितना लिक्विड आ सकता है 380 क्यूबिक मीटर मींस द वॉल्यूम इज 380 मीटर क्यूब लेंथ इज गिवन ब्रेथ इज गिवन एंड दैट इज गिवन इन मीटर ओनली 10 मीटर 8 मीटर सबके यूनिट सेम है सो वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम ओवर एल इंटू बी इज इक्वल टू एच आपके पास हाइट आ जाएगी ठीक है इट इज वेरी इजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन एट द रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर क्यूब वेरी इजी क्यूबॉइडल पिट है इसका मतलब आपने इसमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो वॉल्यूम आएगा इन मीटर क्यूब उसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे इतने सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं डालेंगे खैर ठीक है ना डालेंगे सिंपल भी बट इतने सिंपल नहीं ठीक है आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बट क्या होता है कई बार इन्हीं क्वेश्चन के आगे कंटिन्यूशन में दूसरा पार्ट होता है तो पहला पार्ट समझ आएगा तभी अगला कर पाओगे Next question number 6-5. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if the length and depth means if the length and height is given. अब बेटा जो length given है that is 2.5 meter. जो height given है वो कितनी है? 10 meter. And the volume. Volume is given to you first of all capacity of the cuboidal tank means volume of the cuboidal tank that is given to you in liters a
अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, आपको पता है वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्यूबॉइड. आपने निकालनी है ब्रेथ, आपको पता है यू विल डिवाइड विद वॉल्यूम, यू विल गेट दी ब्रेथ. बट इफ यू विल नॉट चेंज दिस लीटर वॉल्यूम, जो लीटर्स में है इसको अगर आप मीटर क्यूब में चेंज नहीं करोगे, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा एंड यू विल गेट मार्क्स ओनली फॉर द फॉर्मूला. अगेन रिलेशन याद रखना है, 1 meter cube is equal to 1000 liter. It means 1/1000 meter cube is equal to 1 liter. लीटर को मीटर क्यूब में करना है तो डिवाइड करोगे 1000 से 50 meter cube. अभी क्वेश्चन एक पहले किया, उसमें सब कुछ मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में और डायमेंशन मीटर में. यहाँ वॉल्यूम लीटर में था तो उसको हमने मीटर क्यूब में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर 6. अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 liter ऑफ वाटर पर हेड पर डे. एक आदमी को एक दिन के लिए 150 liter पानी चाहिए, ठीक है. द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर वन पर्सन फॉर वन डे इज 150 liter एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन 4000. तो हम पहले क्या निकालेंगे कि 4000 जो लोग है विलेज में उनको एक दिन में कितना पानी चाहिए. देन इट इज, और उनकी विलेज में कोई टैंक है जिसकी एल बी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है. फॉर हाउ मैनी, जो टैंक है विलेज में वो जो पानी है कितने दिन तक चलता है. अगर रिक्वायरमेंट एक एक बंदे की एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है 150 liter, ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा काम है ज्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है. जैसे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड या रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन फॉर वन डे 150 liter. वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय 4000 persons, एक दिन की ही बात कर रहे हैं. ये कितने आ गया लीटर्स में. और जो हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ द टैंक दैट इज 20 × 15 × 6. ये तीनों डायमेंशंस मीटर में है तो ये किसमें आ गया मीटर. ओके फाइन, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये अब इसमें से ज्यादा बड़ा कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ टैंक के वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसको कन्वर्ट कर लो, ये मीटर क्यूब में है, इसको कर लो डिवाइडेड बाय 1000, 600 meter cube. एक टैंक है बड़ा, ठीक है. अगर उन्होंने ये पूछा है कि कितने दिन तक पानी चल सकता है तो ऑब्वियसली, ठीक है, क्या करेंगे, मतलब बड़ा टैंक है, एक दिन तक, दो दिन तक, तीन दिन तक, कितने दिन तक. तो नंबर ऑफ इसमें क्या निकालने हैं आपने, डेज. तो हमेशा जैसे ही आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है तो बेटर है आप पहले अलग अलग से वॉल्यूम निकालो. इन केस सपोज आप इसको उल्टा भी निकाल देते हो, जैसे तो ध्यान रखना है, इन केस तो आपके मार्क्स, आपको इसके मार्क्स से मिलेंगे, ठीक है. सो द नंबर ऑफ डेज इज वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड, कि कितना हमें पानी चाहिए. वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम नीडेड दैट इज 20 × 15 × 6 डिवाइडेड बाय 600 3 days. Answer will be 3 days. Means whatever the water is there in the tank, it will last for 3 days. 3 din tak pani chalega, bole lo. Okay. Next question dekhiye. Again, a godown measuring this into this into this. Find the maximum number of wooden crates each measuring this that can be stored in the godown. Very very easy. जैसे ये बड़ा गोडाउन है, उसमें हमने छोटे वुडन क्रेट्स रखने हैं, तो किस चीज को डिवाइड करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को, क्योंकि अंदर भरने हैं,
ठीक है, क्योंकि अंदर एक बड़े गोडाउन में छोटे आपने जो क्यूबॉइड्स हैं वो भरने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन बॉक्स नीचे, डिवाइड। और आपने इस क्वेश्चन में ये क्या क्या होता है, जैसे बुक में यूनिट सेम है, कई बार टीचर बच्चे को टेस्ट करने के लिए, मान लो आपने, मैंने सेम क्वेश्चन डाल दिया सपोज, लेकिन मैंने एक मीटर को सेंटीमीटर लिख दिया, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो यहाँ पर है 15 मीटर, मैंने 15 मीटर की जगह 1500 सेंटीमीटर क्वेश्चन में डाल दिया, रहेगा तो वो 15 मीटर, और आपने उसको 1500 सेंटीमीटर लेके ही कैलकुलेशन डिवाइड की, यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर एंड देयर बाय यू विल लूज योर मार्क्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपने देखना है कि किस चीज की बात हो रही है, एरिया की के वॉल्यूम की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, अगर आप क्लास लगा रहे हो तो आई डोंट नो, ठीक है ना, लगाते हो और सुन रहे हो तो आई एम टेलिंग यू सिंस लास्ट 5 days, इफ यू विल लर्न द फॉर्मूलाज बाय हार्ट 80% ऑफ द चैप्टर यू हैव डन देम। रट्टे लगा लो जैसे मर्जी, 5-6 तो फिगर्स हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम है, क्रैम द फॉर्मूलाज, जस्ट सिर्फ सुन रहे हो, करते तो हो नहीं, सुनते ही हो बस। पहले पिछले टर्म में भी बोला था रट्टे लगा ले, फॉर्मूला लर्न कर ले, फॉर्मूले लर्न कर ले, फिर भी फॉर्मूलाज ही गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक बहुत बड़ा क्यूब है, उसको क्या किया, उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, एक बड़ा क्यूब है उसके छोटे क्यूब बनाए, कितने, 8। Find the side of the new cube and find the ratio of their surface area. Vanshika, आप पढ़ते थे डेली, क्लास लगाते थे, ऑल राइट। सो क्वेश्चन नंबर 8, एक बड़ा क्यूब है उससे छोटे छोटे ऐसे 8 क्यूब्स बन गए, इसका मतलब क्या है, क्या क्या इक्वल है, एक बड़ी सी कैंडल है, ठीक है, क्यूबॉइड क्यूबिकल कैंडल, मैंने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके मैंने छोटी छोटी 8 कैंडल्स बना दी, इसका मतलब जो उसका वैक्स है कैंडल में, बड़े वाले क्यूब कि कैंडल में जो वैक्स था मैंने उसी को यूज करके छोटी छोटी 8 कैंडल्स बनाई, इसका मतलब क्या सेम है, वॉल्यूम तो सारा उसमें कैंडल से वो वैक्स से भरा हुआ है, वो ही हमने शिफ्ट किया, इट मींस द वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 इनटू वॉल्यूम ऑफ द वन स्मॉलर क्यूब, स्मॉल वी इज फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, कैपिटल इज फॉर द वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब है, जसकीरत क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, वेरी सिंपल, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 स्मॉल ए क्यूब, बड़े वाले क्यूब की जो साइड है वो हमें गिवन है, कितनी है जशन, कितनी है, बड़े वाले क्यूब की साइड गिवन है 12, ठीक है, 12 into 12 into 12 over 8 is equal to a cube 6 6 6 6 cube is equal to a cube, cutting होके 6 6 6 है, 2 से कट जाएगा ना, 4 2 1, ठीक है, so 6 is equal to a, what is the side of the new cube, smaller cube, that is 6 centimeter, पहले तो ये निकालना है ना साइड बेटे, रेशियो बाद में निकालेंगे, पहले साइड निकलेगी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, रिक्वायर्ड रेशियो इज टू फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है तो ऊपर कौन सा वॉल्यूम रखेंगे, एरिया रखेंगे, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है, जो पहले लिखा है, अगर सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर पहले लिखा है बड़ा वाला, तो उसका सरफेस एरिया, पहले सरफेस एरिया का वॉल्यूम बता, फॉर्मूला बताओ जसकीरत, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तू बता दे,
6a square. Whenever they are talking about the surface area, it is always total only, not the curved. ठीक है, 6 capital A square over 6 small a square. वो बेटा curved होता है, side वाला. Same आएगा but number कटेंगे. अगर आप सरफेस एरिया रेशियो में 4a करके लेते हो तो फिर नंबर कटेंगे, आधा नंबर तो कट ही जाएगा ना. ठीक है, क्या पता टीचर का मूड आ इसके नंबर ही ना दे कि बच्चों को ये नहीं पता. 6 × 6 सो आंसर इज 4:1. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे. Now in the first revision test beta, it is divided into three parts. पहले दो में divide किया था ना, but 3 weeks हैं, 3 parts में divided है. तो in the first revision test there will be chapter this polynomials and surface area and volume. दो chapters revise कर लेंगे तब तक वो दो आएंगे. 6 तो chapters आपके syllabus में. 40 marks का paper है, 10 internal है, 6 chapter है. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पिछली टर्म, वैसे मैं जनरल मैं करवाती हूँ ये क्वेश्चन जनरल. इफ आई टॉक 6 chapter में रोज का भी तुम 1 घंटा लगाओ ना आराम से अगर पढ़ो तो, अगर पढ़ना ही नहीं क्या बात है कवर में. बेटा सीबीएसई ने किया, हमने थोड़ी किया. ओके फाइन, 10 mark इंटरनल जो भी आपकी हो, जो आप नोटबुक्स नहीं भेज रहे हो, जैसे जो आज क्विज है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 40 marks का आपका एग्जाम्स है बेटे, 10 marks इज फॉर योर इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपकी नोटबुक है, आप जो फाइल हॉलीडेज होमवर्क जो आपने भेजा नहीं है, काफियों ने नहीं भेजा. और ये मत सोचो कि यू विल गेट द मार्क्स, सारे टिक लगे हुए हैं, हु हैज सेंड द वर्क, हु हैज नॉट, हु आर अटेंडिंग द टेस्ट, हु आर गिविंग द टेस्ट एवरी टाइम, उनको ऑब्वियसली हम ज्यादा नंबर देंगे. वी आर नॉट हियर टू डोनेट द मार्क्स, द स्टूडेंट दोज हु आर अटेंडिंग द गिविंग द रिस्पॉन्स, आपके टेस्ट चेक होके आपको वापस मिले, जिन्होंने रेगुलर टेस्ट दिए हैं उनको ऑब्वियसली इंटरनल असेसमेंट ज्यादा लगेगी. स्टूडेंट्स हु आर मेकिंग द नोटबुक, हु आर सेंडिंग द नोटबुक्स टाइमली, एंड दोज हु हैव नॉट सेंड, 12 मैंने कल भी बताया था आई थिंक, लास्ट डेट 12 तक हमने लिस्ट देनी है अंदर इंटरनल असेसमेंट की. दोज आर नॉट सेंडिंग द नोटबुक काइंडली सेंड इट, यू स्टिल हैव टाइम. एंड द स्टूडेंट दोज आर कमिंग ऑफलाइन बेटा, इफ योर नोटबुक्स आर नॉट चेक देन प्लीज ब्रिंग इट ऑफलाइन. कम ज्यादा जितना भी काम किया कॉपी ले आओ. ओके, बाकी आपकी मर्जी है, नंबर आपके हैं. चेक होके वापिस आ गई है, बस फिर नहीं देनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वापस मिल गई है तुझे, बस ठीक है फिर. मैंने टिक लगाया होगा, जिनकी चेक है मैंने टिक लगाया हुआ है. अ रिवर 3 meter डीप, 3 meter डीप मींस हाइट 3 meter, 40 meter वाइड मींस ब्रेथ 40 meter, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h. एक रिवर है, यस एक रिवर है, इमेजिन करो जिसकी हाइट कितनी है 3 meter, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ मतलब जो उसकी चौड़ाई है. ठीक है ना, इस तरह से आपके पास एक रिवर है. ठीक है, ये जो है दिस इज 40 meter, ये जो इसकी हाइट है दैट इज 3 meter. ठीक है, ये है 40, ये जो उसकी लेंथ है, मतलब अगर इस तरह से देखोगे लेंथ मींस द वाटर जो फ्लो कर रहा है रिवर में, तो लेंथ उसकी कितनी है 2 km/h. तो उसमें से हम लेंथ उठाएंगे, दैट इज 2 km वी विल कन्वर्ट इनटू दैट मीटर, दैट विल बी 2000 meter. व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, आंसर बताना है, समझाना भी है, समझा लाउडली बोल ताकि ये भी सुने, सारे सुने, ऑनलाइन वाले भी सुने. नहीं नहीं बोलो बेटा, आई नो ही नोज.
Yes. Now, what is they are saying that the water has to flow in a cuboidal river. कितना पानी एक मिनट में उसमें फ्लो होता है, जो लेंथ है वो हमें किस हिसाब से गिवन है, पर आर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन द रिवर पर आर. एक घंटे में कितना वॉटर फ्लो कर रहा है, एल बी एच जितना उसका वॉल्यूम है. वी हैव टू फाइंड इन वन मिनट वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लोइंग इन द रिवर इन वन मिनट. एक मिनट में उस रिवर में कितना पानी जाएगा, ये जो आएगा आपके पास एक घंटे का आंसर आएगा कि एक घंटे में इतना वॉल्यूम पानी उस रिवर में जा सकता है. अगर आप इसको 60 से डिवाइड करते हो, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यू विल गेट 24,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना. दैट इन वन मिनट कितना पानी उस रिवर में जाएगा, 4,000 मीटर. वेरी अगर हाँ 60 हाउ मच वाटर विल फ्लो इन द रिवर इन 1 second 60 फिर आगे उसको 60 से कर दे. अगर नहीं डिवाइड करेगी तो एक घंटे में कितना पानी जाता है, अगर डिवाइड करेंगे तो एक मिनट में, क्योंकि एक मिनट का ही पूछा है तो डिवाइड करना पड़ेगा. 40,000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फ्लो इन द रिवर इन 1 minute. ठीक है, अब बेटा सिलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे. एवरीवन कम टू पेज नंबर 229. दोज हु आर हैविंग द बुक्स, दोज हु आर नॉट हैविंग जस्ट लिसन टू मी. द पिलर ऑफ अ टेंपल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड. इफ ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 एंड हाइट 10. रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 मीटर. अब ये चीजें तो बेटा आपको मतलब जितना मर्जी बता दे, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल. ये यूनिट्स सेम बनाने हैं, ठीक है. हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स. अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें हमने पिलर्स को क्या करना है, पेंट. कृति है ना आपका नाम, कीर्ति. कीर्ति अगर मैंने एक पिलर को पेंट करना हो तो कौन सा एरिया निकालेंगे बेटा. एक पिलर है टेम्पल में, मैंने उसको गंदा हो गया, मैंने उसको पेंट करना, अच्छा सा पेंट, तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, किसका, सिलेंडर का. क्या होता है, टू पाई आर एच. क्योंकि टू पाई आर और टू पाई आर एच में तो बेटा जमीन आसमान का फर्क है, उसका कोई नंबर, अगर आप 2 बाय r लिखते हो तो उसके कोई नंबर नहीं है. सो एवरीवन विल लर्न द फार्मूलास. कल आते ही पहले मैंने सबसे फार्मूला सुनने हैं 1 by 1. हर एक बच्चे को खड़ा करके मैंने सारे फार्मूलास सुनने हैं, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15. समझ आ गई. एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आल्सो विल लर्न ऑल द फार्मूलास, ठीक है. सो आई विल बी लिसनिंग टुमारो. ऑफलाइन वाले तो फिर पढ़ता है ना तुम्हें, इसलिए तुम तो रिस्क लेना ही मत कोई. अब हाँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पिलर्स को बनाना है कंक्रीट मिक्सचर, जो सीमेंट है. हाँ ठीक है, अगर पेंट करना है तो कर्व सरफेस एरिया. पिलर को, पिलर की बात अगर होती है तो हमेशा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पिलर ऊपर नीचे से नहीं पेंट होता. अब हमें बताना है कि इस पिलर को बनाने के लिए कितना कंक्रीट मिक्सचर लगेगा, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आदित्य. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, यस, वॉल्यूम ऑफ वन पिलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस इज गिवन, हाइट इज गिवन, सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन पिलर, एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई इट विद 14 वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द 14 पिलर्स. कितना कॉन्क्रीट मिक्सचर चाहिए हमें. नेक्स्ट, एट रमजान मेला अ स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल हैज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 एंड हाइट 32. एक बड़ा सा कंटेनर है, एक बड़ा सा बिग कंटेनर, ठीक है, उसका रेडियस है बच्चे
15 सेंटीमीटर हाइट बताओ. दिस इज द बिग कंटेनर. ठीक है, जूसेस फिल करने हैं. बिग कंटेनर है ना, जैसे स्टॉल लगी होती है उसमें बिग कंटेनर होता है जिसमें जूस है, उसमें से वो छोटे छोटे, हाँ उसमें से वो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लासेस को फिल करना है. मींस स्मॉल ग्लासेस. रेडियस कितने है, हाइट कितने है, सेंटीमीटर में है सब कुछ. अब क्या कहते हैं कि जो बड़ा वाला हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसमें से कितने स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस फिल होंगे, क्या करेंगे. हाँ, नंबर ऑफ ग्लासेस विल बी द वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल मीन्स एक ही स्मॉल. अब कंटेनर कैसा है, अब कंटेनर कैसा भी हो सकता है. यहाँ पर तो रेडियस हाइट गिवन है ना. मान लो क्वेश्चन को चेंज कर दिया, द कंटेनर इज क्यूबॉइडल, एलबीएच गिवन होगा. ठीक है, अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल है, सो इट मींस पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच. मैं इसको कैपिटल आर एच ले लेती हूँ क्योंकि बिग कंटेनर है, ओवर पाई. अब इसमें देखो अलग अलग से फाइव अगर फाइंड आउट करते हो तो देयर इज अ बिग कैलकुलेशन. पाई की वैल्यू फिल करोगे करोगे, यहाँ सीधा ही कट रहा है. ठीक है, 15 × 15 × 32, 3 × 3 × 8, 100 ग्लासेस विल बी. हाँ, आगे कॉस्ट भी है एक ग्लास. हाँ, किसी की बुक में 3 गिवन है, किसी की बुक में 15 है. हाँ, पुरानी बुक थी ना ये. If one glass costs rupees 15, then what is the cost of 100 glasses? That is 1500. Fine. So exercise 13. सुनो मेरी बात बेटा ध्यान से. 13.6 कल करेंगे. 13.6 खत्म करके 7, 8. आज क्या है, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. 3 दिन लगेंगे और ठीक है, हमारा टेस्ट नेक्स्ट वीक को है. ठीक है, मे थर्सडे आई ट्राई टू फिनिश टिल थर्सडे, फिर फ्राइडे सैटरडे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, अब आपके पास अभी कितना टाइम है, अब आपके पास बेटा सुनो. सो 13.6 आई विल स्टार्ट टुमारो, जस्ट लिसन टू मी एवरीवन. पॉलीनोमियल चैप्टर में जो लॉन्ग डिवीजन के सम्स हैं, लॉन्ग डिवीजन के सम्स हैं, आई विल टेल ऑल दिस थिंग अगेन ऑल्सो, वो नहीं करने. जो अकेले डिवाइड वाले सम है वो नहीं करने, लेकिन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो करनी है जिसमें डिवीजन आती है. तो इन नटशेल लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी क्योंकि फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल में लॉन्ग डिवीजन आती है. ठीक है, तो वो आपने प्रैक्टिस करना है. ठीक है, उसके बाद ये पॉलिनोमियल्स के आपने बुक में से क्वेश्चंस करने हैं एंड ट्राई टू कवर एनसीईआरटी एग्जाम्पल. जब पेपर सेट होता है बेटे तो जो एक्स्ट्रा बुक्स होते हैं सबसे पहले टीचर एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखता है क्योंकि एनसीईआरटी वालों की बुक है एंड देर आर वेरी गुड क्वेश्चन. वी विल ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन और मैंने उसमें से किए भी हुए हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन. ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आई विल टेक. रुक जा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, बट एनसीईआरटी फर्स्ट मेन प्रायोरिटी होती है. अभी दो चैप्टर्स की बात करूंगी, आगे वालों के आगे बताऊंगी कि कितना बुक में से आना है, कितना बाहर से आना है. तो पॉलिनोमियल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट सबसे पहले एनसीईआरटी आनी चाहिए, मेनली फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते रहते, बुक के क्वेश्चन नहीं आते, ऑल द एग्जांपल्स. ठीक है, सो रिवाइज प्रॉपरली, विल कंटिन्यू टुमारो. टेक केयर, बताती हूँ देखते, एक सेकंड बेटा.